प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनका संबोधन। सारे लोग आनंद में डूबे, सारे ऋषि मुनि संत सब, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भगवान राम के मंदिर का वो आनंद पसंद नहीं आया। अगर सब थे वहां नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, दोनों पप्पू और पप्पू की बहन भी नहीं थी, ये लगातार गायब रही है। और दुर्भाग्य के साथ अभी ये इनकी जीवान को काली नहीं पड़ गई, भगवान राम का कोई पता नहीं क्यों इनकी दुश्मनी। ये नादान लोग भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश के बारे में भी कितना गंदा बोल रहे हैं। अरे इन्हें नाच गाना कराया, अरे शर्म से डूब मरो कांग्रेसी, ये जनता हिसाब करेगी। वहां भगवान राम के मामले में हमारे हिंदुओं की भावना का अपमान कर रहे हो, ये कौन पसंद करेगा? और ये पूत के पांव दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान राम को भी नहीं बचा रहे हैं, तो ये घर घर गोपाल कृष्ण वालों को कैसे बचाएंगे? अब तो समय आया मथुरा का, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तुम रोते रहो कांग्रेसी, तुम्हारी परवाह नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है और बहुत जल्दी मौका आएगा कि गोपाल कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे मथुरा के अंदर, बोलो वो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी तो हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा धूमधाम से बनती है, होती कि नहीं होती है? इस साल की गोवर्धन पूजा में मुख्यमंत्री भी गोरस में आएंगे आपके साथ पूजा करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। भगवान कृष्ण के साथ गोपाल शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है, और गोपाल कौन है? यहाँ बैठे सब गोपाल, जो गाय को पाले वो सब गोपाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण को माने तो गोपाल कृष्ण। हम घर घर में गोपाल कृष्ण है, एक एक आदमी तय करो। अरे हमारी गाय माता का पालना ये केवल अपने लिए नहीं है, उस माँ से सीख लो जो अपने बच्चे को भी जिंदगी देती है और समाज के लिए भी दूध देती है, वो अपनी गौ माता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। और गोवर्धन तो है ही, लेकिन गोवर्धन की जोरदार अभिनंदन करो अपनी संस्कृति के लिए। हमारे तो तीज त्योहार बगैर गोवर्धन के कैसे हो सकते हैं? बगैर गोवर्धन के कैसे हो सकते हैं? तुम मत मानो कांग्रेसी, 13 तारीख के दिन हिसाब चुकता कर देगी विजयपुर की जनता, कोई छोड़ने वाले नहीं है। कोई समाज का व्यक्ति भी है, कोई इसके दूर रहने वाला नहीं, दूर रहेंगे तो केवल कांग्रेस ही है, ये अपराते। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, विजयपुर में मौजूद थे मुख्यमंत्री। इधर गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर करने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा है कि हस्ताक्षर कराने दिया जाए, पुलिस को यह कहा गया है। अमन साहू झारखंड से चुनाव लड़ना चाहता है, गैंगस्टर की याचिका कल हाईकोर्ट में खारिज कर दी। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की याचिका खारिज की गई थी, बड़का गांव से नामांकन करने की मांग उसकी तरफ से की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन साहू से जुड़ी बड़ी खबर, नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर कराने का आदेश दिया गया, सीजेएम कोर्ट ने हस्ताक्षर कराने का आदेश दिया है, पुलिस को कहा है कि हस्ताक्षर कराने दिए जाएं। अमन साहू दरअसल झारखंड से चुनाव लड़ना चाहता है। एक तरफ सीजेएम कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया कि नॉमिनेशन, चुनाव का नॉमिनेशन उसमें सिग्नेचर करने की परमिशन दे दी जाए, करने दिए जाए सिग्नेचर। गैंगस्टर की याचिका हाईकोर्ट में कल उस पर सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, झटका लगा था एक प्रकार से गैंगस्टर को। लेकिन अब सीजेएम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नॉमिनेशन में सिग्नेचर करने तो दिए जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ये याचिका लगाई गई थी, बड़का गांव से नामांकन करने की मांग थी। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कल याचिका खारिज कर दी और कल अमन साहू को झटका लगा,
आज सीजीएम कोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सिग्नेचर करने दिए जाएं नॉमिनेशन के फॉर्म पर, क्या मायने, क्या मतलब इसका? देखिए पुनीत, अभी अमन साहू तेलीबांधा पुलिस के हिरासत में है और पूछताछ वहां पर किया जा रहा है, कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर दिया है। तो इस बीच उनके वकील हैं जो अमित बनर्जी, उन्होंने आवेदन लगाया था सीजीएम कोर्ट में, जिसमें ये उल्लेखित किया गया था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ नामांकन फार्म में जो नॉमिनेशन फार्म होता है उसमें हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उस आवेदन को स्वीकार किया है, तेलीबांधा पुलिस को कहा है कि उसमें दो हस्ताक्षर है वो करने दिया जाए। हालांकि लीगली और भी बहुत सारे जो प्रोसीजर है उनको अमन साहू और उनके वकीलों को फॉलो करना होगा, वो चुनाव लड़ने के पात्र है या नहीं है ये लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ से जो अर्जी लगाई गई थी सीजीएम कोर्ट से, तो उसमें कहा गया है कि वो आवेदन कर सकते हैं। उनके वकील अमित बनर्जी ने भी इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने ही जानकारी दी है। तो साफ तौर है कि अब उनके जो वकील है वो नामांकन फॉर्म हस्ताक्षर कराने के लिए जाएंगे और तेलीबांधा पुलिस को कहा है कि लेकिन ये ठीक है, सिग्नेचर कराने की बात तो ठीक है, लेकिन कल तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए पुनीत, दो मामलों में अमन साहू को जो गैंगस्टर है उसे झारखंड की कोर्ट ने सजा भी सुनाया है, तो क्या वो पात्रता रखते हैं चुनाव लड़ने का या नहीं लड़ने का, बहुत सारी जो पेचीदगी है कानून की, तो ये अलग बात है। लेकिन बड़का गांव से चुनाव लड़ने की उसने अमन साहू ने इच्छा जाहिर की थी, तो नॉमिनेशन फॉर्म साक्षर करना एक अलग प्रक्रिया है, वो उसके लिए पात्र है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।